अरे यार इनका साइकिल में लगेज देखो भाई, कितने सारे लगेज लेके घूम रहे थे। और एक हमारा भाई का ना एक्सीडेंट भी हो गया, वो भाई ना मतलब पहाड़ी से उतार दिया साइकिल भाई। ये चेक करे बॉयज एंड गर्ल्स, पूरा गोल्डन टेम्पल अंदर से मंदिर कुछ ऐसा है, पूरा एकदम देख रहे हो ना, पूरा पैकिंग वैकिंग। और यहाँ पे कृष्ण भगवान अपने जो शिष्य है ना उनको, और कृष्ण भगवान एक उंगली से ऐसे पकड़ के रखे है, वो दिखाया गया है। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और गाइस आज मेरे को यहाँ से इमरजेंसी निकलना है, क्योंकि अंकल बोले आज तुम लोग को यहाँ पे स्टे करने का परमिशन नहीं है, क्योंकि कल भी मेरे को जैसे तैसे परमिशन मिला और आज यार परमिशन नहीं मिलेगा। और मेरे जो दोस्त लोग हैं ना वो लोग अभी दार्जिलिंग से निकले, दार्जिलिंग बोलो तो कल वो लोग दार्जिलिंग से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर आगे आ गए थे, और वहाँ से अभी यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे हिसाब से 30-35 किलोमीटर दूरी पर होगा। अभी एक साथी से मिल चुका हूँ, ये रहा भाई, भाई को देख सकते हो, दीपक भाई कल जाने वाले थे दिल्ली, लेकिन मैंने उनको रुका दिया यार। भाई मेरी ट्रेन कंफर्म नहीं हुई यार, इसलिए भाई कैंसिल, अब सीधा भाई के साथ चलना गुवाहाटी तक, वहाँ मेरी टिकट कंफर्म है। और यार कल मैं यही वाले कैंप पे रुका था, मेरे जो अपना कैंप है भाई, मज़ा आया था रहने में, क्या बताऊँ। और एकदम पूरा तकिया वगैरह यही से दे दिया गया था मेरे को रहने के लिए। कैंप में स्पेस बोले तो ठीक ठाक है, इजीली मैं रह सकता हूँ। तो यार अभी नाश्ता वगैरह पूरा हो चुका है, और मैं और दीपक भाई अभी फिलहाल चाय पी रहे हैं। जस्ट नाउ नाश्ता करके आ रखा हूँ, तो थोड़ा सा चाय पीने का मन किया, और ये रहा दीपक भाई पी रहे हैं ब्लैक टी, बहुत अच्छा लगता है ना। और वेस्ट बंगाल में क्या चीज़ कॉमन है? बंगाल में है क्या बोलते हैं, ब्लैक टी ज़्यादा पीते हैं लोग, और बढ़िया भी लगती है यार, टेस्ट बहुत टेस्टी है। फिलहाल जितना भी लगेज वगैरह है बाहर निकाल लो, अभी साइकिल को पैक करूँगा, उसके बाद यहाँ से निकल पड़ेंगे। और आप लोगों को एक बार मैं ये टेम्पल भी दिखा दूंगा, टेम्पल बहुत सुंदर है कि नहीं यार? मस्त है एकदम भाई, मस्त है। और रहने का फैसिलिटी भी यार ज़बरदस्त है यार, क्योंकि मेरे को कल 3 टाइम खाना भी मिल गया था और आज सुबह का नाश्ता भी मिल गया, रहने के मेरे बहुत पैसे बच गए, बहुत बोले तो अराउंड 200 के आसपास तो पैसे बच ही गए मेरे। तो दोस्तों हम लोग और एक बार परमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं यार, मिलता तो सही है, अभी धीरे बात करो क्योंकि अंकल का जो ऑफिस है कि भटकना पड़ जाएगा भाई इधर उधर यार, बहुत ज़्यादा उसके बाद मिलता है यार, ऑफिस के पास पहुंच ही गया। तो यार अंकल कुछ काम कर रहे थे, तो इसके लिए हम लोग सोचा क्यों ना आप लोगों को मंदिर ही दिखा देता हूँ, उसके बाद ही अंकल से जाके परमिशन लेंगे। मंदिर के बारे में बात करूँ तो मंदिर बहुत ही साफ सुथरा है, और यहाँ पे ना वॉक करने के लिए जगह भी है, लाइक यहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग के लिए भी लोग आते हैं, और बहुत साफ सफाई करके रखा जाता है मंदिर को। एज यू कैन सी आप लोग देख सकते हो आगे वो टेम्पल है, गार्डन देखो भाई, गार्डन बहुत ही सुंदर है भाई, देख सकते हो भाई पूरा लाइन बाय लाइन, मतलब कि चारों तरफ ऐसा है ना मंदिर का लाइन है, मतलब वॉक करने के लिए चारों तरफ गार्डन है फ्लावर्स के। और ये मेन एंट्रेंस गेट है, और आगे से भी आप लोगों को मैं मंदिर दिखाता हूँ, गाइस देखना ठीक है। ये चेक करे बॉयज एंड गर्ल्स, पूरा गोल्डन टेम्पल का जैसा लगता है, लेकिन ये गोल्डन टेम्पल नहीं है, इसको मतलब बनाया गया है सेम गोल्डन टेम्पल के जैसे। बाकी यार आप लोगों को इसके जो पिलर वगैरह है छू के बता दो, क्या बढ़िया है भाई पिलर, कैसा है भाई? बहुत अच्छा भाई, जो इसका वर्क है और डिज़ाइन है, मतलब छोटा छोटा डिज़ाइन काफ़ी अच्छे से किया गया भाई। और अंदर तो एकदम पूरा क्या बताओ, एकदम चमकीली है, अंदर घुसूंगा नहीं क्योंकि यार मैंने शू वगैरह पहन लिया, फिर अपने को शू वगैरह पहनना पड़ेगा, और मैंने नहाया भी नहीं, तो इसके लिए अंदर सुबह सुबह घुसूंगा नहीं। यही से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मंदिर कितना सुंदर लग रहा है भाई, और वहीं पर है कृष्ण बाबा जी, वहीं पर बैठते हैं, और भाई बता रहा हूँ ना दिल को सुकून मिल जाता है यार। हमारा जो पैकिंग है वो हो चुका है, जरा पैकिंग कुछ इस तरह हुआ है, और देख सकते हो पैकिंग एकदम ज़बरदस्त हुआ है। और ये लोग भाई लोग दार्जिलिंग से है भाई, भाई तुम्हारा नाम बताओ? नीरज। नीरज दार्जिलिंग कहाँ से हो? सेल्फू। और तुम्हारा नाम क्या भाई? श्रवण छेत्री। कहाँ से हो दार्जिलिंग? दार्जिलिंग सेल्फू से। भाई दो दो बंदे सेल्फू से, यार अपने को भी दार्जिलिंग जाने का बहुत मन था, लेकिन मेरे जो टीम मेट है वो लोग दार्जिलिंग से अभी फिलहाल लौट के आ चुके हैं। बाकी यार ये भाई कहाँ से हो? दार्जिलिंग से। तुम भी ना? कालिम्पोंग। दार्जिलिंग में पड़ता है ना जगह? भाई ये भी दार्जिलिंग से है, मतलब यहाँ पे ना ऐसा आश्रम है, यहाँ पे रह के बच्चे लोग दूसरे दूसरे स्कूल में भी पढ़ाई वगैरह करते हैं। एक भाई तो भी स्कूल जाने वाला था, मेरा पैकिंग देख के रुक गया। एक खुशखबरी है गाइस, हमें ना यहाँ पे रहने के लिए जगह मिल चुका है, मतलब अंकल ने परमिशन दे दिया, उनका जो भांजा है, भांजा ने बोला यार मामू एक दिन रहने के लिए दे दो यार, बहुत अच्छा लगा यार, भगवान ने यार क्या बोलो यार साथ दे दिया। बाकी ये रहा दीपक का साइकिल कुछ ऐसा है, आप लोग देख सकते हो, बड़े लोग महंगे साइकिल, और इसका जो कैरियर है ना ज़बरदस्त फैसिलिटी का है यार, आप लोग देख सकते हो क्या बढ़िया कैरियर है। अरे यार अभी जाते हैं, लगेज वगैरह फिर से मेरे को खोलना पड़ेगा, ऊपर लेके जाना पड़ेगा, और अपना जो जगह है ना उसको साफ़ सुथरा करके फिर हम सोने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग 5 जन एक साथ सोएंगे, अपने जो 3 साथी है वो लोग अभी आए रहे, वो लोग 1 या तो 2 बजे पहुँच जाएगा, फिर हमारा जितने भी साइकिल वगैरह है वो भी ठीक करवाना है, क्योंकि दीपक भाई का जो पीछे वाला टायर है ना वो भी थोड़ा बहुत साउंड दे रहा है, और मेरा जो पैडल है वो भी साउंड दे रहा है। तो दोस्तों
तुम्हारा भाई नहा धो के फ्रेश होके आ चुका है। तो आप लोगों को मैंने सुबह मंदिर नहीं दिखाया था, तो चलो यार अभी आप लोगों को मंदिर के अंदर जाके दिखा के लाता हूँ कि मंदिर कैसा है अंदर में। मैं बता रहा हूँ ना अंदर भाई बहुत ही सुंदर है, बहुत बोले तो बहुत सुंदर है। तो अंदर जाके मैं दिखाता हूँ। अंदर से मंदिर कुछ ऐसा है, बेसिकली ये एक एंट्रेंस गेट टाइप बना के रखा गया है, दो साइड में दो पिलर है और यहाँ से लोग जाते हैं। और यार कितना खूबसूरत है, क्या क्लियरिटी करके रखा गया है, बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, पूरा क्लियरिटी करके रखा गया है भाई। और यहाँ पे कृष्ण भगवान जी का फ़ोटो वगैरह भी है, फ़ोटो बोले तो मूर्ति टाइप बना के रखा गया है, लाइक उन्होंने कैसे पढ़ाया था लोगों को वैसा टाइप का एकदम पूरा स्ट्रक्चर टाइप बना के लोगों को दिखाया जाता है। धीरे धीरे भाई, तेज तेज मंदिर है एकदम धीरे भाई, एकदम धीरे बोलो, मंदिर है यार सामने। बट क्या करें यार, लाउडली बोलने का आदत है ना। नहीं नहीं भाई, मंदिर में ऐसा लाउड मत कर, क्या करो भाई, शांति, मंदिर में हमेशा शांति होनी चाहिए। शांति शांति, सॉरी यार, सॉरी सर, कृष्ण भगवान माफ़ कर देना। तो यहाँ पे भी कुछ बना हुआ है, ये क्या है? तो भाई ये क्या है नहीं पता अपने को, बट बहुत ही खूबसूरत है, कुछ महल टाइप हो सकता है मेरे हिसाब से। नीचे ये पानी है, बेसिकली ये नदी है, और ये सब को चमकाने के लिए यहाँ पे लाइट भी लगा दिया गया है दोनों साइड में, जिसमें कि ये रात को ना बहुत चमकता है, बहुत सुंदर भी लगता है। इसके जो वॉल वगैरह है ना, बेसिकली तो ये पूरे शीशा से बनाया गया, शीशा बोले तो कटिंग कर करके मार्बल का जो शीशा होता है ना वो सबसे बनाया गया। यहाँ पे मेरा फ़ोटो भी आप लोगों को देख सकते हो आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा करके, और यार बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे बेसिकली कुछ दिखाया गया, ये लोग लकड़ी से, ये जो ऊपर आप लोग कुछ पोर्शन दिख रहे हो ना, इसको मतलब कि पकड़ के रखा गया है, और कृष्ण भगवान एक उंगली से ऐसे पकड़ के रखे हैं वो दिखाया गया है। क्या दिखाया गया मेरे को तो नहीं पता, आप लोगों को अगर किसी को पता है तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। अगर मेरे साथ पूजा दीदी होती ना तो यार सब बता देती, क्योंकि उनको ना ये सब के बारे में बहुत नॉलेज है, और तुम्हारा भाई का अपना नॉलेज है यार। बाकी कोई बात नहीं, चलो जितना भी नॉलेज है उतना आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और बहुत ही सुंदर है यार, ऊपर में भी सेम पूरा चारों तरफ मतलब एक ही है वल, और इधर पूरा नाचने का वो है, वाह बहुत सुंदर है यार। और इधर अपने भाई को देखो यार, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे हैं। यहाँ पे कृष्ण भगवान अपने जो शिष्य है ना उनको शिक्षा दे रहे, बेसिकली दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हो कृष्ण भगवान यहाँ पे खड़े हैं और उनके जो शिष्य है ना वो लोग नीचे बैठे हुए हैं, बेसिकली आप लोग देख सकते हो उनको प्रणाम करके। तो बॉयस आप लोगों को मैंने मंदिर का दर्शन दिला दिया, आई होप आप लोग ने भी अच्छा से मंदिर का दर्शन ले लिया। कैसा लगा प्लीज़ यार आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अभी मैं थोड़ी देर बैठने वाला हूँ, उसके बाद एक बजे का टाइम हमारा लंच आ जाएगा, लंच बोले तो हमें जाना पड़ेगा जहाँ पे कि लंच खिलाया जाता है, सब लोगों को खिलाया जाता है। अगर आप मतलब थोड़ा लेट करके गए तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एक से दो बजे के अंदर ही खिलाया जाता है, तो हम एकदम करेक्ट टाइम पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा भूख भी लग रहा है। क्या भूख लग रहा है कि नहीं भाई? भूख तो बहुत लग रही है। और हमारा जो साथी है वो लोग पहुंच जाएंगे एक दो बजे के आसपास, आई होप वो लोग जल्दी आ जाए, वो लोग अगर जल्दी आ जाएंगे ना तो उनको भी लंच नसीब हो सकता है। टाइम आ चुका है लंच करने का, लंच में हमें मिला है आज, यहाँ पे है चौल, यहाँ पे है दाल, यहाँ पे है गोभी की सब्जी, यहाँ पे है और एक गोभी का सब्जी, और ये चटनी। कैसा लग रहा है यार खा के? मस्त एकदम, मस्त जबरदस्त है यार, नंगे पैर आए हैं भाई, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। बहुत बोले तो बहुत ठंड है, और मैं दो दिन से यहीं पे खाना खा रहा हूँ ना, बहुत अच्छा लग रहा है, बता रहा हूँ ना बहुत अच्छा लग रहा है, खाना भी बहुत टेस्टी है। तुम्हारा भाई अभी साइकिल ठीक कराने जा रहा है, आगे वो रहा दीपक भाई जा रहा है, और हमें एक भाई अभी लेके जा रहा है साइकिल स्टोर पे, हमें तो पता नहीं कि कहाँ पे है साइकिल स्टोर। तो ये रहा भाई को आप लोग देख सकते हो, तो यार कितनी दूरी पे है साइकिल स्टोर नहीं पता, बट देखते हैं। मेरा मेजर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट दीपक भाई का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, उनका जो पीछे वाला टायर है ना वो पूरा ऐसे ऐसे हिल रहा है और साउंड भी बहुत गंदा दे रहा है, तो इसके लिए उनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। देखते हैं जाने के बाद पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या नहीं है। फाइनली अपने भाई लोगों को मिल चुका हूँ, मिलिए इनसे। अरे भाई इधर देखो, इनसे मिलिए बाबा से। भाई बता रहा हूँ ना, बहुत बहुत सफ़र करने के बाद इनसे मिला हो ये भाई, तो एकदम पूरा एकदम देख रहे हो ना पूरा पैकिंग वैकिंग। और इधर एसके भाई से मिलिए। हाँ एसके भाई, क्या हाल है? जबरदस्त। अबे पूरा साइकिल वाइकिल ठीक कराने आए हो क्या? हाँ जी हाँ, बाकी मिलिए, बहुत अच्छा लगा। अभी से गाइस एक साथ अपन नॉर्थ ईस्ट टूर करने वाले हैं, और नॉर्थ ईस्ट टूर में पूरा बाबा जी अपना साथ देने वाला है, दोगे कि नहीं?
जरूर बने रहना क्योंकि बीच में ट्रिप नहीं छोड़ लेगा। अभी मैं नहीं छोड़ता हूँ ऐसा बंदा, ठीक है यार। साइकिल पूरा रेडी हो चुका है, मेरा ज्यादा प्रॉब्लम था नहीं, मेरा सिर्फ इसका जो पैडल है ये थोड़ा हिल रहा था तो ये बन चुका है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिर प्रणामी मंदिर पे। अरे यार इनका साइकिल में लगेज देखो भाई, कितने सारे लगेज लेके घूम रहे थे। और एक हमारा भाई का ना एक्सीडेंट भी हो गया, वो भाई ना मतलब पहाड़ी से उतार दिया साइकिल। भाई कुछ बोलना चाहोगे उसके बारे में? वो भाई अभी ठीक है, उसका साइकिल का जो आगे वाला टायर है ना उसका रिम टूट गया, ट्यूब फट चुका है और अभी वो रिपेयर करा रहा है भाई, देखते कब तक आ जाएगा। और कल संडे है तो आज ही कराना पड़ेगा सारा, नहीं तो फिर नहीं तो यार गड़बड़ी हो जाएगा, कल फिर हमें रुकना पड़ेगा सिलीगुड़ी में, फिर परसों हम लोग साइकिल ठीक करा के निकल पाएंगे। तो दोस्तों फाइनली तुम्हारा भाई पहुंच चुका है जहाँ पे कि तुम्हारा भाई आज रहने वाला है प्रणामी मंदिर पे। और आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ यार आप लोग कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। कल से हम अपना टूर शुरू करने वाले हैं, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आज का ब्लॉग को भी करता है अपन यही पे एंड, आशा करता हूँ आप लोग को ब्लॉग सही लगा होगा। अगर आप लोग को ब्लॉग सही लगा तो प्लीज़ यार एक लाइक जरूर हिट कर देना, और आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि आगे आप लोग को बहुत खतरनाक खतरनाक कॉन्टेंट देखने को मिला है। सो चलो बॉयज एंड गर्ल्स, बाय बाय।